सोफिया कॉलेज में आधुनिक और विज्ञान पर आयोजित हुआ सेमिनार। कई बड़ी यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के विद्यार्थी हुए उपस्थित। सेमिनार में बताया विज्ञान और आधुनिकता के बिना जीवन है कितना मुश्किल। सोफिया कॉलेज में आज आधुनिक और विज्ञान पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें शारदा यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वीसी उपस्थित थे। इस सेमिनार में बताया गया कि आधुनिक और विज्ञान के बिना जीवन कितना मुश्किल है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन जीने के सेमिनार में तरीके भी बताए गए। सेमिनार में शारदा यूनिवर्सिटी के अफ्रीकन स्टूडेंट भी उपस्थित थे। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज ऑटोनोमस अजमेर में एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो एनएस गजबिये हैं, सागर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वीसी हैं। कीनोट स्पीकर जो हैं वो डॉक्टर एम आर आर प्रसाद हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे इन्वाइटेड गेस्ट आ रहे हैं बाहर से। शारदा यूनिवर्सिटी से रीता मजुमदार मैडम आ रही हैं, एस सी त्रिपाठी सर आए हैं और राकेश सर आए हैं, बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर्स, इवन शारदा यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी आए हैं मैम के, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं। लगभग 450 पर्सन जो है आज की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस जो है इसका टॉपिक है एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल है और कैसे उसके थ्रू हम लाइफ को और भी ज़्यादा ईजियर बना सकते हैं। इस सेमिनार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि सब लोग ये जान सके कि विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइफ नहीं है, और हमें और भी ज़्यादा रिसर्च करनी है। यहाँ पर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट आ रहे हैं, और रिसर्चर एंड साइंटिस्ट का काम होता है नई नई रिसर्च करना ना। जैसे यहाँ पर एक पेपर आया है कि जो पानी पूरी होती है उसके बॉटल में कितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो ये सारी जो रिसर्च जो हमारे लोगों के लिए, हमारे वर्ल्ड की हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, उन सब पर आज यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, ताकि हम और ज़्यादा नई रिसर्च कर सकें और ये जान सकें कि क्या कमियां हैं जो हमने रिसर्च करी है और कैसे हम नई चीज़ें और इन्वेंट कर सकते हैं। डॉक्टर तरुणा सेठी।